तकलीफ नहीं मिलगी भाई। बहुत दिनों में 12 साल में तो कुर्डी के बावड़े हैं, बहुत मुश्किल से मौका मिला है और लोग बाट देख लेते और ये बहुत अच्छी वोटों से जताएंगे जी। हमारा ये बन जाएगा जी, बीजेपी सरकार अभी ऊपर है, MLA बनेगा जी, ऊपर से काम करेगी सरकार, करवाएंगे जी, सारे इकट्ठे होकर जी बनाओगे पूरा बड़ौदा हल्का जी साथ देगा। और जी काम करे हैं लोगों के, और जो बच्चे लगे हैं उनको पता है कि हम जी हम इंटेलिजेंट तो हम लगे हैं, ऐसी बात नहीं। पहले रिश्वत चला गया करते, इन कोई रिश्वत नहीं, अपनी मेहनत चला गया बच्चे गरीब भरा के बिल्कुल भी। और अब ये इस बच्चे को मतलब आप पर भरोसा होना चाहिए कि आप उसे जिताओगे और वो आपके मतलब भरोसे को नाकाम नहीं होने देगा, ठीक है। पूरी शक्ति से पूरे तन मन धन से समाज की सेवा करेगा, समाज को आगे बढ़ाएगा। उनको पूरा प्यार और आशीर्वाद देकर भाई प्रदीप सांगवान को चंडीगढ़ विधानसभा में भेजना काम करेंगे। सत्ती बिरादरी का भाईचारा पूरा खुल कर समर्थन है भाई साहब का, मेरे को पूरा लग रहा है। पहले तो वर्कर टोड़ा पड़ा करता हूँ, फलाने घर में वर्कर है, दगड़े घर में वर्कर है, ये तो हर गली में हर मोहल्ले में हर घर में वर्कर है जी, हर घर में बीजेपी पहुंच है। ग्रांट चालू सांगवान साहब ने करवा दिया जी, कोई एक पैसा गांव में नहीं आ रहा, एक पैसा भी जी, दो ग्रांट चालू करवाया सांगवान साहब ने रे गांव में जी। सोने जिसका चाय पीने की उतनी चाह ना, वो भी बड़ी नौकरियां पर लगे बीजेपी की, बहुत बड़ा का टांगे रे और बड़ा का भारत माता की जय। चौधरी किशन सिंह सांगवान अमर रहे, चौधरी किशन सिंह सांगवान अमर रहे, भाई प्रदीप सांगवान जिंदाबाद, भाई प्रदीप सांगवान जिंदाबाद, सतीश बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद। भाई बड़ौदा का इलेक्शन जो है बड़ा दिलचस्प हो गया है, इसमें प्रदीप सांगवान के लिए जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, महिला शक्ति आज सड़कों पे उतर चुकी है और जागसी गांव में इस समय मौजूद है, जागसी गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम बातचीत करेंगे जो प्रदीप की माता जी हैं उनसे ही। आंटी राम राम। राम राम। क्यों करके प्रोग्राम चल रहा है, सारे इकट्ठे उठा दिया सिस्टम भाई, महिला शक्ति है और सबसे पहले तो भाई आप सबका स्वागत है, सबसे पहले तो आप सबको राम राम, आपका स्वागत। सारी महिला शक्ति इकट्ठी हो रही है, आपको पता होगा इतना अच्छा माहौल हो गया है कि सारा गांव इकट्ठा होकर प्रदीप सांगवान को जोर शोर से जिताएगा और उनके बावजान इतने अच्छे काम कर रखे हैं और उनके पक्षिनों पर प्रदीप भी चलेगा, वैसे ही काम करेगा। तो ये हल्का था, आपकी भी बात देखा था कि भाई कहीं कितने कितने उन भी टिकट मिल जाएगी, लेकिन प्रदीप ने मिल गई है। प्रदीप ने मिल गई भाई, बहुत दिनों में 12 साल में तो कुर्डी के बावड़े हैं, बहुत मुश्किल से मौका मिला है और लोग बाट देख रहे थे और ये बहुत अच्छी वोटों से जताएंगे। वह पंचायत भी हुई थी बुटाणा में, ओढ़ता भी बुटाणा बार है वो कर दिया, जागसी आज जो है कर दिया, खेड़ा बुटाणा ये सब बार हमारे साथ है बिल्कुल। कितना जोश है जी, बहुत कति फुल जोश है, भारतीय जनता पार्टी प्रदीप सांगवान। इसी के खास बात इतने नारे ला कति जी, इतनी खास बात है, बहुत खुशी इतनी है जी, बेटे ने वोट मिली, ऊपर सांसद जी हमारा ये बन जाएगा जी, बीजेपी सरकार अभी ऊपर है, MLA बनेगा जी, ऊपर से काम करेगी सरकार, करवाएंगे जी, सारे इकट्ठे होकर जी बनाओगे पूरा बड़ौदा हल्का जी साथ देगा और हमारे प्रदीप बेटे को बना के लाएंगे जी, और तो हमारे ऊपर से काम होंगे तो हमारा जी प्रदीप बेटा जी हमारे भी काम करेगा, गली है जो गांव है जो खेत है खलिहान है किसान है नौकरी है जिसका भी जो भी कुछ होगा साहब वो सभी हमारा बेटा करवाएगा और तन मन धन से हमारे को विश्वास है कि हमारा बेटा हमारे काम पूरे करेगा। इनके बावजूद ने भी पूरे काम करे जी, 3 बार सांसद बने, शिक्षा मंत्री बने जी, हमारा जी 40 साल पुराना नाता है जी बीजेपी से, हमारे को विश्वास है कि हमारे पूरे काम होंगे, हमारा बेटा काम करेगा तन मन धन से और हम भी इनके साथ हैं जी। इस बात के लिए जी इतना जोर हमारे जोश इतना तब तक आ रहा है जी। क्या बात है, हाँ। प्रदीप सांगवान की जो जीवन संगनी है वो भी हमारे साथ है, कितनी शक्ति से आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी शक्ति से जोश एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें काफ़ी सहयोग और समर्थन लोगों का प्यार बहुत भारी संख्या में मिल रहा है और पहली बार बड़ौदे में कमल खिलेगा, हरियाणा में पहली बार बड़ौदे में हम कमल खिलाएंगे, सारे लोग हमारे साथ हैं। काफ़ी दिनों के संघर्ष के बाद बावजियों के जो समर्थक थे, भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, जो हमारे सुख दुख में साथी रहे, उन्हीं के
बदौलत हमें यह टिकट मिली है और वही हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं के समर्थन से प्यार विश्वास जो उन्होंने हमारे ऊपर सारी उम्र रखा, हम पहली बार बड़ौदा में कमल खिलाएंगे। क्या मुद्दे, लोग वोट क्यों दें आपको? मुद्दे, भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया है, सबका साथ सबका विकास, नारी शक्ति सब भाजपा के साथ है। भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काफ़ी जो मुद्दे सब बिना बड़ौदा में आज तक कमल खिल नहीं पाए जी। हम खिलाएंगे इस बार पहली बार। अखंडी वाली बात है, 12 साल के बाट देखा थे। हाँ, और 12 साल के बाट देखा थे। क्या नाम? रीमा सांगवान जी। आप क्या लगते हैं प्रदीप जी के? छोटे भाई की वाइफ। अच्छा, तो क्या लगता है आपको किस तरह से कमल खिला पाएंगे बड़ौदा में? बिल्कुल जी, 100% कैसे खिलाएंगे? कैसे खिलाएंगे जी, वोट लोगों को, हम कह रहे हैं कि भाई हमें वोट दो, हम आपका काम करेंगे। एक बार अब तक कांग्रेस ही रही है यहाँ पे, कभी आया नहीं है बीजेपी, तो अब की बार बदलो और देखो ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ एक ही सरकार रहेगी तो 100% आपके काम होंगे। और जी काम करे हैं लोगों के, और जो बच्चे लगे हैं उनको पता है कि हम थे इंटेलिजेंट तो हम लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब पर्ची खर्ची करेगा? नहीं, मतलब जो पर्ची खर्ची पे चीजें आप कह रहे हो पहले लगी? नहीं, हाँ जी, हम गांव में अभी गए राना खेड़ी में, हमें इतना प्यार विश्वास आशीर्वाद उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कांग्रेस में हमारा एक बच्चा लगा था, अभी हमारे 18 बच्चे बिना खर्ची बिना पर्ची के लगे हैं, और पूरा गांव, हाँ जी पूरा, लोगों ने बताया हमें, लोगों ने बताया है, और पूरा राना खेड़ी पूरा हुजूम हमारे साथ था और बोले 90% लोग राना खेड़ी की आपके कमल के साथ है। रोजगार मिला जी, लगे जी यार ताई। हाँ जी लगे हैं। हाँ जी ताई जी, ताई की माला खुशी, माला खुशी, तू आ जा। हाँ जी भाई साहब, बच्चे हमें जो है ना नॉर्मली हम वैसे ही बात कर रहे थे कि बीएचपीएससी की प्रोफेसर की पोस्ट निकली हुई है, तो क्या बातें चल रही हैं? अगर बीजेपी आई तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लगेंगे, नहीं तो उम्मीद छोड़ दो। तो ये चाहते हैं आप ये दौर दोबारा ना आए? क्या जो पर्ची खर्ची वाला सिस्टम? पर्ची खर्ची वाला जी, दोबारा नहीं आवे। लगा रही आंटी बालक? हाँ खूब लगा, बिना रसोच लगा बालक बीजेपी में, और जो किशन सिंह सागवान ने किया वो कर भी नहीं सकता कोई भी, और हमारे प्रदीप बेटा है हमारे पूरे उससे बनाकर हटाएंगे। अपनी मेहनत लागे बच्चे, गरीब घर के बिल्कुल भी। किसका साथ दोगे? हम बीजेपी का देवांगे, अपने प्रदीप बेटा ने जमानी घने वोटा दे देवांगे। बीजेपी ने बढ़िया काम करे है, उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रखे, वो ग्रांट लेके आए थे यहाँ पे। आ जाओ जाजी, आ जाओ। ये मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि बाऊजी जब होते थे किशन सिंह सांगवान जी, वो तो लोकसभा का पूरा बड़ा एरिया भी होता था, आपने तो तब भी संघर्ष किया होगा? हाँ बिल्कुल किया था, उस टाइम भी किया था, लेकिन उस टाइम बड़ौदा में फूल खिला भी था, लेकिन पूरे लोकसभा में खिला था। लेकिन उनके जाने के बाद 12 साल हो गए, प्रदीप ने इतना संघर्ष किया है, इतना संघर्ष किया है, बहुत कुछ खोया भी है, बहुत ज्यादा सीखा भी है खोके, और उसके मतलब संघर्ष की वजह से ही बीजेपी ने उनको मतलब टिकट दिया है, और अब ये इस बच्चे को मतलब आप पर भरोसा होना चाहिए कि आप उसे जिताओगे और वो आपके मतलब भरोसे को नाकाम नहीं होने देगा, ठीक है? पूरी शक्ति से पूरे तन मन धन से समाज की सेवा करेगा और समाज को आगे बढ़ाएगा। लगता है आपके भाई साहब ने जिस तरह से काम किया था पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए, आप प्रदीप भी उतनी शिद्दत से काम करेगा? बिल्कुल करेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है? अब सवाल ये है कि उसकी जीत तो निश्चित है, लेकिन आपने उसको सुनिश्चित करना। क्या बात है, सुनिश्चित। हाँ जी, हमारे जैसा हमें दिख रहा है माहौल लोगों में हम जा रहे हैं, मेरे को तो जीत पूरी सुनिश्चित लग रही है। पहली बार बड़ौदे में कमल खिलेगा, बाबूजियों को बड़ौदे हलके ने हमेशा 40-40 हज़ार की लीड दी, और पूरे हमारे पूरे लोकसभा को बड़ौदे हलके ने संभाला, बड़ौदे ने ही हमारा चुनाव लड़ा, और प्रदीप जी को काफ़ी भारी मतों से बड़ौदा हलका जिताएगा और नायब सैनी सरकार दोबारा बनेगी। आंटी के अपील करोगे बड़ौदे से? भाई मैं वोटों की अपील करूंगी, और उम्मीद है और के आवाज और करके जिताऊंगे, हमेशा इन साथ दिया और अब डबल देंगे, क्योंकि
तीन बार किशन सांगवान एमपी रहे, एमएलए रहे और बाकी पूरे वोटा तो पूरे जीत्या कर दे विरोधी दल का थे, लेकिन इसको भी ये भी पूरे वोटा थे एक का तरफी सारे गांव हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जीतेगा हमारा बेटा खूब वोटों से जीतेगा, कोई चिंता नहीं। आजाद जी ईसा बढ़िया काम कर रहे, बीजेपी ने बिना रसूत बालक लागन लाग रहे, टेस्ट पाड़ो टेस्ट नहीं पाड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, टेस्ट पाड़ो और नौकरी लागो फ्री नौकरी दे, दो लड़के लाग रहे मेरे तो वो फ्री कति फ्री नोको है या तो बीजेपी की सन्ना की सरकार को ना कति बढ़िया सरकार, कोई टेस्ट ना पाड़ेगा तो सरकार क्या करेगी, कोई टेस्ट नहीं पाड़ेगा तो सरकार क्या करेगी, टेस्ट पाड़ो कति बना रखिए कति करके बच्चे जो बड़ी बड़ी नौकरियां बुला गया बिल्कुल बिना रिश्वत लागे हैं, कोई रिश्वत नहीं बिना खर्ची पर्ची जो आपके बालक लगे है ये ताम अटका बीजेपी का साथ साथ दे रहे कति बीजेपी ने भाई साहब पिछले प्लान में 1,40,000 रुपए 1,40,000 बिना खर्ची बिना पर्ची के बच्चे लगाए हैं 1,40,000 तो जनता इस चीज में मोर लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी, पहली बार कमल खिलने जा रहा है बिना पीछे लगे भाई साहब, ये बात बिल्कुल सच्चाई है, यहाँ पर बिना खर्ची बिना पर्ची की इतनी नौकरियां मिली है युवाओं में, पूरा छत्ती बिरादरी भाईचारा युवा भाई प्रदीप के साथ है, और रही बात सांगवान साहब का आशीर्वाद और प्यार, आज ही पूरी जनता देख लो भाई साहब भीड़ पूरी गली पूरी गांव वेट कर रहा है कि आज हमारे बीच में बाबूजी ही आ गए हैं, उनको पूरा प्यार और आशीर्वाद देकर भाई प्रदीप सांगवान को चंडीगढ़ विधानसभा में भेजना काम करेंगे, छत्ती बिरादरी का भाईचारा पूरा खुलकर समर्थन है भाई साहब का। हाँ जी भाई साहब, हम जाते हैं ना जहाँ भी बुजुर्गों के ना आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो हमें खुद लेके जाते हैं दिखाने के लिए, देखो जी ये मंदिर बनाया बाबूजियों ने, ये गली बनाई, ये बनाया, अपने आप आए और खुद हमसे पूछा, हमसे पूछ के खुद ग्रांट दी, लोग दिखा रहे हैं हमें उनके काम, खुद ऐसा काम ये भाई साहब करेंगे, ऐसा काम करेंगे ये ईबीप का खबात कराएंगे, फिर 25 साल खबात करने की जरूरत नहीं मिलेगी, कोई ग्रांट नहीं जाएगी। आजाद जी उस पंचायत में भी आप थे जिस पंचायत ने नूका था भाई एक तरफा हम समर्थन करा, पूरे बारे बुटाना बारा की पंचायत थी और बुटाना का तो हर घर से आदमी आया हुआ था और उस बुटाना बारा की जो सदस्य है उनमें जाक्षी का भी इतना हिस्सा बनता है जितना औरों का है, तो मैंने कहा था जितना बुटाना का जितना खेड़ा का जितना बरोदा का हिस्सा इतना जाक्षी का अधिकार है भाई, अपने अधिकार होने के नाते हम कहते हैं कि आज प्रदीप भाई का भाई साहब का टिकट मिली है अपने बारह में, कल ने किसी और ने मिलेगी, आप ही क्या समर्थन दोगे तो कल दूसरा भाई ने भी मदद मिलेगी और आप सारे मजबूती मिलेगी, बरोदा हल्के को मजबूती मिलेगी और सारे इसको तन मन दम से जिताओ, ये बुटाना बारह की मान सम्मान का प्रतीक है, बुटाना बारह का मान बढ़ेगा इससे, इसको जिताने से बुटाना बारह की ताकत बढ़ेगी, और ये कदेते बीजेपी में हो लागे है भी जो किशन सिंह सांगवान के टाइम में भी आप थे और आज प्रदीप सांगवान के टाइम में भी आप हो, मेरे को पूरा लग रहा है, पहले तो वर्कर टोड़ा पड़ा करता हूँ फलाने घर में वर्कर है, दगड़े घर में वर्कर है, ये तो हर गली में हर मोहल्ले में हर घर में वर्कर है जी, हर घर में बीजेपी पहुँच है, ये तो सैलाबार है जी वर्करों का, मोदी जी ने इतने बढ़िया काम करे हैं पूरे देश में, उनकी ख्याति प्राप्त देश का विश्व पटल पर नाम करे है, किसानों के लिए काम करे, अब यू जो इलेक्शन है ना यू भाई का इलेक्शन कौन रहा है, पूरी पूरी जो अपनी विधानसभा ने अपना हाथ में ले लिया इलेक्शन, नोबाली भाई प्रदीप सांगवान चंडीगढ़ विधानसभा में भेजाएंगे और अपने काम वही करावाएंगे जो चौधरी किशन सांगवान के सपने अधूरे रह रहे हैं, पूरे करके दिखावाएंगे अब की बार भाई भारत माता की, ग्रांट चालू सांगवान साहब ने करवा दिया जी, कोई एक पैसा गांव में नहीं आ रहा एक पैसा भी जी, जो ग्रांट चालू करवाया सांगवान साहब ने रे गांव में जी सोनीपत के याद आओ सांगवान साहब याद आवे प्रोते जनता ने की मारे बीच में कौन रहा, लेकिन आज आ गए जी वापिस आ गए प्रदीप सांगवान के रूप में, आशीर्वाद देगी जनता पूरी, देखो कितना उजूम आ गया है लोगों का प्यार आशीर्वाद, यो बीजेपी का राज है भाई, सिलेंडर का मां मंडल ना करे है ना, तो कांग्रेस के राज में तो पौड़ा जार दे की जगह चले ने मला के मिलार दे, बीजेपी के राज में मिला करते कांग्रेस के राज में ब्लैक में सिलेंडर मिला करते, हम घर घर कर आके दे के जावे हैं, हमें लगी हां यो बताओ पति जिसका ना जी जिसका चाय पीने ब्योतरी था ना वो भी बड़ी नौकरियां पर लग गया बीजेपी की, बहुत बड़ी बड़ा का टांगे रहे और बड़ा का
पर जितना कच्ची न्यू बहुत मोटा दमना का टांगे चौधरी किशन सिंह सांगवान ने सबसे बड़ा काम तो ये करा सोनीपत गोवाना जींद की रेलवे लाइन निकाली और हर चौपाल में हर काम उन्होंने पैसे दिए और वो हर आदमी के चहेते थे और रुके की राजनीति करते थे, वो हर आदमी मिलनसार थे। इसीलिए लोगों ने 3 बार उसको लोकसभा में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचाने का काम किया, तो उनका बड़ा लगाव था जनता से। तो उस लगाव को देखते हुए उनके सपुत्र प्रदीप सांगवान जी हैं, वो भी उन्हीं के पंचिनों पर चलेंगे। जनता को ये विश्वास है उससे भी 2 कदम आगे रहेंगे और ये परमात्मा उनकी अच्छी से बड़ी जीत करेंगे। जी वोटा जीता जी, कम इतने चिर अच्छे हैं आना रोला वार है, कम इतने चिर अच्छे सांगवान ने भी पहले बचे नहीं थे, सांगवान ने पहले अपना दरांड बन जाता चीज नहीं बन जाता एम पी मुआज भी जी वोटा जीता जी। ये देख है बड़ा काम है जी, हमने घूम लिया घूमता लेगा नूता देख लेगा के प्रदीप का इसके बाप ने दिया हर एक गांव में ग्रांट दी है, कितने 2 लाख कितने 1.5 लाख कितने हर एक गांव सारी दुनिया ब्रदाल का मान्यता कर रहा है। मतलब फिर नूता कहने की जरूरत नहीं, वह काम कराओगा अगर ना कराओगा ना काम कराओगा जी नहीं, पहले ना उनके बाप ने करवा रखे जी, उनके बाप ने करवा रखे जी, भरोसा है यो भी उतने करा। हाँ इतना है जी, इतना भरोसा है, है भरोसा पक्का जी, सॉलिड। अच्छा हाँ जी।